हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। एक नए ब्लॉग और एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, चलिए आज की टीचिंग भी जान लेते हैं। आज की टीचिंग ही बहुत ही छोटी सी है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने ग्रैटिट्यूड रिव्यू वीडियो में आप लोगों से जो भी चीज़ें शेयर की थी और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करने को बोला था, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट पे लिखा था कि हाँ, हमने कुछ विशेष जो गोल्स जो डिसाइड किए थे उनमें से कुछ हमने अचीव भी कर लिए विद इन 15 डेज। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जितने विशेष सोचें वो हम एक बार में सब कुछ अट्रैक्ट कर लें। कई बार ये होता है, थोड़ा टाइम लगता है, कई बार चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। पर जब टाइम लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार, ये जो टेक्निक्स है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज काम करता है। हम दो तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, या तो जो हम चाहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, या एब्सेंस ऑफ वो थिंग जो हम चाहते हैं। मतलब किसी चीज़ का होना अट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ की एब्सेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा मान के चलते हो कि वो चीज़ें आपके पास हैं, आपको मिल जाएंगी, पॉजिटिव रहते हो, तो आप उसकी प्रेजेंस को अट्रैक्ट करते हो। बट जब आपके मन में डाउट आने लगता है, फिर आपके दिमाग में यही चीज़ें चलने लगती है कि यार, ये चीज़ तो काम नहीं करती है, मेरे पास तो अभी तक ये नहीं आया, तो फिर वह नहीं नहीं वाली चीज़ें जो दिमाग में चलने लग जाती हैं, फिर आप उस तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। बिकॉज हर चीज़ विद इन 10 डेज, 15 डेज ऐसे अट्रैक्ट नहीं होती। हर चीज़ का एक अप्रोप्रिएट टाइम है, एक प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो हैव पेशेंस एंड बी पॉजिटिव। और अगर आप ये डाउट करने की बजाय इस पे ही फोकस करें कि चीज़ें होंगी होंगी, है मेरे पास, है मेरे पास, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, तो आप हमेशा उन चीज़ों की प्रेजेंस ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ स्टिल वर्किंग, हमेशा काम कर रहा है, चाहे आपके पास वो आपकी पसंद की चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डाउट मत कीजिए, अपने थॉट्स पे काम कीजिए। यही थी आज की टीचिंग। आज अभी मैं जाने वाली इवनिंग में डॉक्टर के पास अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी ना 5 मंथ वाली, अभी मैंने रिसेंट में कराई थी, तो उसके बाद मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर से मिल ही नहीं पाई थी। बिकॉज़ हुआ क्या था कि जिस दिन रिपोर्ट टेस्ट होता है उस दिन रात हो जाती है, फिर वहाँ से आने के बाद तो विज़िट कर नहीं सकते, बिकॉज़ हमारा जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके अगले दिन मैं जा सकती थी, लेकिन अगले दिन मेरे को थोड़ा अनईजी हो रहा था, तो उन कारण, मतलब ऐसे ही फिर वो कारण रह गया और उस दिन हम जा नहीं पाए। और उसके अगले दिन संक्रांति थी, तो संक्रांति की छुट्टी थी, तो फिर इसलिए इस तरीके से दिन जो है वो एक के बाद एक चले गए थे। ऊपर से हमें क्या है कि वहाँ पर लैब में उन्होंने बता ही दिया था कि नॉर्मल है, रिपोर्ट उन्होंने जस्ट शॉर्ट में बता दी थी कि नॉर्मल है, बट डिटेल उसके, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसे डिटेल में देखने के लिए डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा, डॉक्टर ही बता पाएंगे, बिकॉज लैब वाले इतना नहीं बात करते हैं। बस हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि सब ठीक है। तो अब उसके लिए मैं आज जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मिलूँगी, दिखाऊँगी अपनी रिपोर्ट्स। एंड मुझे एक इंजेक्शन भी लेना है, तो लेट्स सी कि आज अगर हो पाता है तो वो भी ले लूँगी, और जो भी होगा फिर मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी कि कौन सा इंजेक्शन है और आज लग पाया कि नहीं लग पाया। तो सारी अपडेट अभी मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से आने के बाद आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, तो आप व्लॉग में बने रहिए। तो अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो बहुत ज़रूरी हो गई थी, तो ये एक बड़ा सा बैग आया है, इसके अंदर क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी। ये बहुत टाइम से पेंडिंग था बट फाइनली ऑर्डर कर लिया। एंड देन फिर उसके अलावा कुछ मैंने RF की ज़रूरत की चीज़ें थी और कुछ मेरे को चीज़ें चाहिए थी, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर ली। एक मैंने लाइटर मंगाया था, जो क्या बोलते हैं उसे, कैंडल लाइटर, फ्लेम लाइटर बेसिकली, यस फ्लेम लाइटर था, तो इसको कैंडल वगैरह लाइट करने के लिए मैंने मंगाया था, बट बाद में मैंने इसे ओपन किया तो ये काम का नहीं था, मैंने इसे रिटर्न में डाल दिया। और ये जो रेड कलर का दिख रहा था, ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ये पेन और टैब है, और ये RF का शैम्पू, और एक मैंने बॉडी लोशन, ये बॉडी लोशन और शैम्पू बाथरूम में रखा, तो वो मैंने ऑर्डर किया था। सो गाइज, आज मैं जूस बनाने वाली हूँ, और जूस के लिए मैंने यहाँ पर कैरेट्स, बीटरूट, एप्पल एंड ये मौसमी है, तो 2 मौसमी है, 2 एप्पल है, 2 बीटरूट है, और 4 या 5 गाजर है। और ये वाला मेरा जूसर है, तो मैं इसी में बनाने वाली हूँ, इसमें यहाँ पर नोज़ल है, तो
इसमें फर्स्ट टाइम ही बनाने वाली हूँ, अभी तक मैंने इस वाले जूसर को कभी यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसा बना, क्या रिव्यू रहा। सो ये यहाँ पर जूस जो है वो निकल चुका है और मैंने अपने इस वाले जो नया फूड प्रोसेसर लिया है उसमें फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से जूस निकाला है। तो जूस तो निकल चुका था, ये देखिए काफ़ी सारा जूस निकला था, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने इसके अंदर ना मौसमी भी डाल दिया था। तो बेसिकली ये फ्रूट वेजिटेबल का जूस निकालने के लिए है और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें बीज होते हैं उनके लिए अलग से अटैचमेंट दिया था, बट मैंने ट्रायल बेसिस पर ऐसा किया कि अगर एक साथ ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट नहीं हो पाया सक्सेसफुल और जूस जो है वो काफ़ी कड़वा सा हो गया था, बट फिर भी मैंने पूरा पी लिया, वेस्ट नहीं किया। बारीक हो चुकी, छोटी हो चुकी, साबुदाने जैसी लग रही है ना, है तो थर्मोकोल यार, सिंपल। अरे यार तो चिपकेगी, और डाल लो उसमें, ऊपर से निकालो, कलो मत, तो पूरी जाएगी ना, तो पैक करनी पड़ेगी, सिल के रख पाएंगे इतनी है, देखो दे दे। दब गई है ये, अमेज़न से मंगाया था इस तरीके की बोरी में, अच्छे से पैक होके ही आया है, इस पर डायरेक्ट भी बैठ सकते हैं क्या? बैठ जाओ, हाँ जो बचेगा यूज कर सकते हैं, आरफ का। तो इसे थोड़ा सा ही काट के रहे और इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपक रहा है, उड़ रहा है, ये देखो ये सब निगलना है बेटा, फैलने लग जाएगी ये, देखो इसको, इधर आना जरा, बॉडी दिखाना, इधर आओ, इसके दाने बड़े हैं, थोड़े से बड़े, बड़े नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये भी बड़े ही होंगे, ये पिचक के छोटे हो गए, वैसे ही हुआ है और क्या। रुको, छोड़ो ना, हाँ छोड़ ही रही हूँ, निकाल तो लूँ, जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी, और आ रहा भी अब सारे उठा करके डाले गए है ना। किससे शेयर करना है? जो आपके मन पसंद हो उनके साथ में शेयर करना। भर लिया है इसमें, थोड़ा सा गैप छोड़ा ही है बैठने के हिसाब से, और भर सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है। बैठो, नहीं भर, बैठो, बैठ के दिखाओ ना, देखते हैं शायद नीचे नहीं आएगा, शक्ल देखो अपनी पहले देखते सही है, पहले से अच्छा हुआ है, पहले एकदम फ्लैट हो रहा था ना, अभी बैठ पा रहा है। क्या है ये, क्या कहते हैं इसे, ये जिस पे बैठे उसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहे हैं, वो बताओ क्या है ये, मुझे क्या पता, बीन बैग बोलते ना, बताया था मैंने आपको, इसको बीन, ये बीन्स है, ये गम ना, ये गम है ना, ये चिपचिप बॉल है ना, कुछ है ये, बीन बैग है, ये बीन्स है उसकी और ये बैग है, बैग के अंदर बीन्स डाल दी, बीन बैग बन गया, ये बीन बैग टिपा है तो आपने हैंड में तो क्या अच्छा, वो हाथ में क्या चिपक रहा था ना, तो बोला चिपचिपा है तो हाथ में चिपकेगा तो पैर में, चलो बाय, घसीटो ना बेटा फिर वो खराब हो जाएगा है ना, बाय बाय अरफ, वो भी उठाओ। हेलो एवरीवन, सो ये है नेक्स्ट डे, अभी मैं बैठी हूँ, एक शूट करना है मुझे दूसरे चैनल के लिए, तो वो शूट करने से पहले मैं सोचा जो कल का अपडेट की बात की थी वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ अपडेट नहीं बनाया वीडियो,
तो अपडेट अबाउट सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया अपने रिपोर्ट्स, तो उन्होंने सारे ढंग से रिपोर्ट देख ली और सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी मुझे दे दिया, जो मेरा नेक्स्ट विजिट होगा उसमें भी कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, 6 मंथ पे आई थिंक रहते हैं, तो वो सब फाइनल हो गया है। मैं इंजेक्शन की आपसे एक बात कर रही थी, तो वो एक्चुअली क्या था कि मुझे ना अभी तक टिटनेस का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नॉर्मली आई थिंक 3rd मंथ या 4th मंथ में वैक्सीनेशन हो जाता है, और मेरे को भी डॉक्टर ने बोला था, बट स्टार्टिंग में क्या था कि मेरी जो प्लेसेंटा पोजीशन थी ना, वो कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वगैरह नहीं लेना है, तो उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में, बट अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो इस वजह से क्या था कि मैं अकेले जा नहीं पा रही थी। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ना वो फिक्स टाइम पर लगता है, किसी एक दिन महीने में 1-2 दिन ऐसा फिक्स किया जाता है जब लगना होता है, और उसका टाइम पर फिक्स होता है। तो मैं उस टाइम पर पहुँच नहीं पा रही थी। पहले तो मैं मम्मी के घर पर थी, एंड देन फिर मैं इधर आई, तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स चलने लगी, तो उस वजह से वो जो भी रीजंस रहे हैं उसकी वजह से मेरा वैक्सीनेशन जो है वो पेंडिंग होता जा रहा था। तो कल मैं गई थी फाइनली, और मैंने बात बात करके, तो मैंने जो रेगुलर वैक्सीनेशन जब करवाते हैं तब ना करवा के, कल ही फिर अपना बात करके मैंने फर्स्ट डोज ऑफ टिटनेस वैक्सीनेशन ले लिया है। थोड़ा डीले हो गया है, नॉर्मली मैंने कहा कि पहले ही लग जाता है, और इस टाइम तक सेकेंड भी शायद लग जाता है, तो मेरा अब नेक्स्ट मंथ सेकेंड वैक्सीनेशन हो जाएगा। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बात कर ली थी डॉक्टर से, तो इतना कोई अर्जेंट नहीं था कि मुझे पहले ही करा लेना था, बट हाँ बाय रूटीन आपको थोड़ा पहले ही करा लेना चाहिए, और मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अच्छी बात यही है कि हो गया, वो काम भी हो गया। मैं उस हिसाब से कल गई थी, तो वैक्सीनेशन भी हो गया, रिपोर्ट्स भी सही आ गई, और जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी अब वो भी फाइनली ठीक हो गई है। तो ओवरऑल इट्स गुड, रिपोर्ट भी अच्छी आ गई है, तो अब बस मेरे को वही जो मेरे सिम्टम्स हैं वो सबसाइड नहीं हो रहे हैं, वो चल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है शुरू से लेकर अभी तक में, बट कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब मुझे लगता है कि यार बस अब कुछ महीने और बचे हैं, तो बस इनको भी निकाल लिया जाए, ये तो चलता ही रहेगा। RF के टाइम पे अब तक तो बहुत ही अच्छा हो गया था, अभी इस बार थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, बट हाँ इस बार मेरे पास ये आप लोगों से बात करने का एक काम तो नहीं कहूँगी वैसे, मतलब एक जॉब है, तो वो करते करते मैं थोड़ा सा, जैसे अभी फ़िलहाल मुझे उन सब चीज़ों की याद नहीं है और उन सब चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो अकेले आप बैठे सोचो बस दिन भर वही मॉर्निंग सिकनेस उसी पर आपका ध्यान रहे, तो कितना बोरिंग और कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। तो एनीवेज सब बढ़िया है, अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए, ये सब तो चलता रहता है, सबके अलग अलग सिम्टम्स और सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, जा रही हूँ मैं अपना जरा जो दूसरा शूट है वो कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर की थी जिसको आपको 7 टाइम प्रैक्टिस करना था, तो वो प्रैक्टिस कैसी चल रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए विद बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।